तीन वर्ड मैं अंजलि को दूंगा, तीन वर्ड अंजलि मुझे देगी और एक एक मिनट तक हमें उस वर्ड पे कुछ भी बोलना है। नाक में लोग उंगली डालना भी पसंद है। मेंढक मेंढक होता है, मेंढक मेंढक एक एनिमल है, मेंढक करता है। हिप्पोपोटामस को हिप्पोपोटामस भी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं बोलते, ठीक है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज डे टू, मतलब आज संडे। सैटरडे भी कल अगर एक व्लॉग शूट किया था हमने 2000 सब्सक्राइबर के सेलिब्रेशन का, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा देन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, चेक इट आउट इस वीडियो के बाद जाना। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करो। और हम लोग आज कुछ प्लान करने वाले हैं चैलेंज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये प्लान करेंगे कि वन वर्ड वन मिनट वाला चैलेंज। अभी देखते हैं, अंजलि से पूछते हैं कौन सा चैलेंज करना है। और ये यहाँ पे स्पाइडरमैन की तरह लटकी हुई क्या 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 कर रही है? 11:30 नाना नहीं तुझे? जा रही थी ना। क्या हुआ? टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी 11:30 बजे तक, फिर मैं गेम खेल रही। अच्छे अच्छे घर की लड़की है ना, सुबह सुबह रेडी हो जाती है, गेम नहीं खेलती। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, व्लॉग पे मैं इतना पीटूंगी ना। क्यों? हर हर बार तो किसी या किसी कमरे में पाई जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सैटरडे संडे मेरा फ्री डे होता है। फ्री डे होता है हाँ। और तूने मंडे फ्राइडे नहीं देखा, मैं सुबह 7 बजे उठ के अच्छी नारी की तरह पूजा पूजा करती हूँ। फिर तो क्या हो गया उसमें? सैटरडे संडे भी करना चाहिए ना। नहीं, वो सबकी छुट्टी होती है उस दिन। छुट्टी होती है, ठीक है, वो सब छोड़ के बता चैलेंज कौन सा करना है। लाइट ऑन कर दे थोड़ा, ऑडियंस को दिखे लाइट में अंजलि कहाँ है। चैलेंज कौन सा करना है? जैसा कि मैं सोच रही थी, गाइस पहले तो आपने हमारा अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। ये कौन सा लॉजिक? ये विक्ट्री साइन है। ये विक्ट्री होता है, ये कौन सा है? ये यो होता है। यो क्या करना है तुझे? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हम वो चैलेंज करते हैं वर्ड वाला, तो वही तो मैंने बोला ऑडियंस को। बोल दिया तूने? हाँ, तो बोल दिया। मुझे बुलवाने के नहीं, से मैं पूछ रहा हूँ ना। कुछ मतलब नहीं, ठीक है, चल तो जल्दी जल्दी अंजलि तू नहा ले, फिर हम लोग व्लॉग। मैं आराम से 1-2 घंटे में आऊंगा ना, फिर तो यही मिलेगा मुझे इसे पड़ा हुआ। तो अब चैलेंज कब करेंगे? शाम को चैलेंज करते हैं ना, बीच-बीच में। अब मुझे खाना भी तो बनाना है। हमने ऐसा सोचा कि अभी लंच करेंगे, फिर बीच-बीच में खाना, सॉरी बीच-बीच में चैलेंज करते हैं, खाएंगे और फिर थोड़ा चैलेंज करने बोल रहे हैं। ज्यादा इमेज हो रही ना, भूखे जैसे। हम अभी खाना खाएंगे, फिर बीच बीच में चैलेंज करते रहेंगे। हम तीन वर्ड मैं अंजलि को दूंगा, तीन वर्ड अंजलि मुझे देगी और एक एक मिनट तक हमें उस वर्ड पे कुछ भी बोलना है, हिंदी अंग्रेजी गुजराती पंजाबी जो भी लैंग्वेज में बोलना है बोलना है। एक एक वर्ड मिलेंगे, तीन वर्ड दोनों को मिलेंगे, एक एक मिनट बोलना है। ऐसे बोले जैसे बहुत लैंग्वेज आती है। मुझे 2-3 तो आती है ना, तो चलेगा ना, ठीक है। चैलेंज स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। 1 hour later तो अभी अंजलि यहाँ पे मुझे एक वर्ड देगी जिसके ऊपर मुझे कंटिन्यूसली 1 मिनट बोलना है, तो लेट मी ग्रैब द फोन। वहाँ पे 1 मिनट का टाइमर रखेंगे और मुझे कुछ भी जो भी सेंटेंस आते हैं जो भी दिमाग में आते हैं वो बोलना है। सो ये रहा टाइमर हमारा। अंजलि व्हाट्स द वर्ड? तो पहला डरावना वर्ड जो मैं तेरे सामने पेश कर रही हूँ वो है नाक। नाक नाक नो। अच्छा, दे 1 मिनट, मैं पकड़ूंगी। देखो टाइमर, ये रहा टाइमर, ठीक है। जैसे मैं स्टेडी बोलूंगी वैसे ही स्टार्ट करना। रेडी स्टेडी गो। और टाइमर तो मत रख, मुझे रख सामने। हाँ ठीक है, चल। तो सबके चेहरे पे एक एक नाक होती है। नाक अलग अलग शेप में होते, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की ऐसे तोते जैसी होती है, किसी की अंदर होती है। अब सब रेसिस्ट सब चलेगा, ठीक है। फिर नाक अलग अलग कलर की होती है, जब दबाने से नाक लाल हो जाती है। दबाने से लाल। नाक में से कोई वो वाटर निकलता है जब आपको जुकाम होता है। नाक में लोग उंगली डालना भी पसंद करते हैं। तू 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 खाता था ना, नाक खाता था ना बचपन में? नहीं, वो सब पर्सनल बातें अलग से रखें। फिर नाक में से पानी निकलता है, कभी येलो निकलता है, कभी व्हाइट निकलता है, अलग अलग निकलता है। येलो पानी कब निकलता है? ज्यादा जब आपको सर्दी जुकाम हो जाए तब। बहुत इन्वेस्टिगेट किया तुमने। फिर आप जब शादी होती है तब कभी कहीं 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 जगह पे नाक पकड़ने की रस्म भी होती है। नाक को इंग्लिश में नोज बोलते हैं। फिर नाक 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 कटा हुआ था, सुन पर का क्या नाम? सुन नाक का ये भगवान का नाक काट दिया था। हो गया। यस। मिनट हो गया, बोल दिया है पूरे नाक के बारे में। आपको पसंद आया, ना पसंद आया, डिस्गस्टिंग लगा, जो भी लगा, प्लीज कमेंट डाउन बिलो।
और लाइक करना, फर्स्ट राउंड मैं जीत गया। तू भीख मांगना बंद करेगा पूरे व्लॉग में? तूने तो बोला था 3-4 बार बोला कर, इतनी बार तो हम जो सारे अनसब्सक्राइब कर देंगे देखना तेरे को। ठीक है अब मेरी बारी, मैं अंजलि को एक वर्ड दूंगा। क्या खूबसूरत? हाँ खूबसूरत, पतली सब लग रही। ठीक है अब गेम स्टार्ट करें? ये ले ले। ठीक है अब रुक जाओ मैं जरा रीसेट कर देता हूँ, ये जीरो पे लग गया है। और तेरा जो वर्ड है वो है पतंग। ठीक है 3, 2, 1 स्टार्ट। मुझे पतंग उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पतंग बहुत सारे कलर की होती है, मुझे सबसे अच्छी पतंग लाल कलर की लगती है। और जो पतंग है वो आसमान में उड़ती है। और जब आसमान खराब होता है, बारिश होती है, तब हम पतंग नहीं उड़ा सकते। और जो वेदर रिपोर्टर लग रही जल्दी कम जो पतंग है वो आसमान में उड़ती बहुत अच्छी लगती है। आज जो पतंग है बच्चों की, वो उसकी पीछे पूंछ आती है, मैंने देखी है पूंछ वाली पतंग। फिर पतंग की कन्नी बांधनी होती है जब हमें उसे उड़ाना होता है, और कन्नी बांधने में करण और आशु बहुत अच्छे हैं। मुझे कन्नी बांधनी पतंग पे नहीं था। ठीक है चल ठीक है। पतंग जो होती है बहुत खूबसूरत होती है। पतंग जो होती है वो 30-30 रुपए की बिक रही थी जब उत्तरायण था, खाली चोर गई सबके सब इतनी महंगी पतंग बेच रहे थे। अभी पतंग है वो हमने फिर सस्ते मार्केट से ली थी, वो पतंग बहुत सस्ती थी। निबंध लिख रही है पतंग पे। चलो गया, वन मिनट डन। ठीक है बीच में तूने 2 बार पतंग से कन्नी पे चली गई थी। ठीक है वो लोग डिसाइड करेंगे कौन जीता है, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं ही बहुत अच्छी रिपोर्टर हूँ यहाँ पर, जो पतंग के बारे में बहुत अच्छा बोल रही है। और पतंग जय पतंग। तो अभी हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अंजलि और मैंने दोनों ने 1-1 मिनट बहुत ही वाहियात बकवास की है। तो 1-1 पॉइंट दोनों को मिल गया, 2-2 वर्ड्स और बाकी। अब थोड़े से आगे खाना बनाने जाऊंगी। अगर आपको अरवी की सब्जी की रेसिपी देखनी है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तू नहीं बताएगी? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर देखते हैं अरवी की रेसिपी सही रही तो मिलते हैं आपको जल्दी, वरना फिर ये बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इतने मुक्के मारूंगे नहीं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। क्या कर रही है? मैं थोड़े शॉर्ट्स लेने की ट्राई कर रही हूं। ऐसे कुछ दिखते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। देखो चाय का कप है, पर ठंडी हो जाएगी वो, कुछ ठंडा ना होगी। क्यों, चाय है या नहीं है? चाय तो है। आप अंजलि को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको चाय की फोटो मिलेगी। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। इतने टाइम पास करने के बाद पेश है हमारा दूसरा वर्ड जो अंजलि मुझे पूछेगी। सो अंजलि व्हाट्स द वर्ड? तो मैं 2 वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज थी, तो फाइनली मैंने सोचा है तेरा दूसरा वर्ड है। पहले टाइमर तो दे मुझे ऑन कर। हाँ ये रहा, मैं दे रहा हूँ टाइमर। अच्छा आ गए, दिखा दे जनता को। जनता हाँ हाँ ठीक है, जनता देखिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा पहला दूसरा वर्ड है चप्पल। स्टार्ट। चप्पल से किसी को भी मारा जाता है, चप्पल से किसी को भी पीटा जाता है। चप्पल अलग अलग कलर की आती है, चप्पल अलग अलग साइज में भी आती है, चप्पल में 8 नंबर होते हैं, चप्पल में 9 नंबर होते हैं। एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है चप्पल के साइज को। तो चप्पल में अलग अलग सेकंड्स कट रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के चप्पल आते हैं। चप्पल हम पैर में पहनते हैं, चप्पल हाथ में कभी नहीं पहनने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। चप्पल पहन के हम भाग भी सकते हैं, चप्पल पहन के हम कूद भी सकते हैं, और चप्पल हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे पैरों को जो जमीन से बचाती है चप्पल फटने से। चप्पल बहुत फटने से, हाँ मतलब बिना चप्पल पहने तो जा रही है तो पैरों पर नुकसान होगा ना तेरे को, इसीलिए उसमें चप्पल बहुत आपकी हेल्प करती है। चप्पल गांधी जी चप्पल बहुत क्या गांधी जी कहाँ से है? गांधी जी चप्पल पहन के दांडी यात्रा पे गए थे, बिना चप्पल के नहीं गए थे वो। हम भी चप्पल पहनने जाइए, अगर आपको सैंडल पसंद नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा है चप्पल। चप्पल की जय हो, चप्पल सबको पहनने चाहिए चप्पल। तो नेताओं जैसी बातें कर रहा है तो इसमें तो 1 मिनट में तो कितना बताऊं। 1 मिनट हो गया तूने, हो गया, इतना गंदा बोला। इसको माइनस में पॉइंट देने। माइनस वाला बंदा है, माइनस। अब मैं मेरी पार्टी का जो चिन्ह है वो चप्पल रखूंगा। हाँ फिर उस चप्पल से लोग तुझे मारेंगे। नमस्कार। सो मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, मुझे मिले 2 पॉइंट क्योंकि मैंने कर लिया 1 मिनट पूरे चप्पल पे बकवास कर लिया। तो कोई नहीं ना, ऑडियंस बोल देंगे नीचे कमेंट करो तीनों राउंड खत्म होने के बाद किसने अच्छा परफॉर्म किया। चलो ठीक है 1 मिनट कोई नहीं, किसने अच्छा एंटरटेन किया, कितना अच्छा परफॉर्म किया नीचे कमेंट करना। अभी भी मेरा एक वर्ड बाकी है सेकेंड राउंड का। सो अंजलि
हाँ हाँ भाई अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, रुक जा, ठीक है हो गया सेट। वर्ड तुझे बताओ मेरा। ओके मेरा वर्ड है तेरे लिए फ्रॉग, मेंढक। चल 3 2 1 स्टार्ट। मेंढक मेंढक होता है, मेंढक मेंढक एक एनिमल है, मेंढक करता है। ये इसके तो दो पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। मेंढक जो है कूद कूद के चलता है, मेंढक बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, मेंढक बहुत अजीब सा दिखता है, और मेंढक जो है वो पानी में रहता है, मेंढक जो है वो इंसेक्ट खाता है, और मेंढक जो है बहुत सुंदर होता है और गंदा भी होता है दूसरे टाइम पे। कौन सा मेंढक? और मेंढक तूने गंदा बोल दिया मेरे को बस। यस 3 2 1 मेंढक कूदता हुआ चलता है, फिर मेंढक को एक बार मेंढक को मैंने दबा के गलती से मार भी दिया था जब मैं गांव में थी, क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहे थे और मेंढक मेरे पैर के ऊपर बैठ गया था। मेंढक मैंने किसी किसी मूवीज में और सीरीज में भी देखा है, डेजिग्नेटेड सर्वाइवर में भी देखा था मैंने मेंढक। मेंढक बहुत अच्छा दिखता है वो हार गई डेफिनेटली। गंदा वर्ड दिया, बहुत गंदा वर्ड दिया मेंढक ना, मैं सच्ची। तो तेरे पास भी तो चांस था ना कि तू कोई अच्छा वर्ड सिलेक्ट करती, डिफिकल्ट वाला। हार गई, चलो 2 पॉइंट मेरे, अंजलि का एक ही पॉइंट है, अंजलि हार गई। अब तो वो मेंढक की तरह रो भी रही है एज यू कैन सी। सो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ गए, हमारी आज की इवनिंग की वॉक हो गई कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम टू प्ले द थर्ड वॉक। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वो बहुत है, 1 किलोमीटर तो बहुत है। नाउ इट्स टाइम टू प्ले द थर्ड वर्ड। अंजलि ने मुझे ऐसा बोला है, हार जीत ऐसा कुछ नहीं होता, अब खेलने की स्पिरिट होनी चाहिए। जो इसकी रिसेंट हार हुई उसके बाद उसने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला है कि हार जीत ऐसा कुछ नहीं होता, खेलने की तो मेरा जो शब्द है लास्ट टाइम की हार के बाद मैं देना चाहूंगी हिप्पोपोटामस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो हिप्पोपोटामस एक प्राणी है, हिप्पोपोटामस रहता है वो पानी के अंदर रहता है, हिप्पोपोटामस होता है वो भागते भागते बोलना है, जमीन के ऊपर भी रहता है। हिप्पोपोटामस के कितने पैर? 4 पैर होते हैं। हिप्पोपोटामस बहुत ही मोटा प्राणी है और उसे हिप्पोपोटामस बोलते हैं। मजा आ गया। फिर हिप्पोपोटामस है वो बहुत गंदा दिखता है, उसे हिप्पोपोटामस को आप पाल नहीं सकते। हिप्पोपोटामस है वो जंगली प्राणी है, आप उसे कहीं भी रख भी नहीं सकते अपने साथ, वो जंगलों में ही पाया जाता है जहाँ पे पानी ज्यादा होता है। कितना घटिया बोल रहा है तू, सीरियसली तो हिप्पोपोटामस का ABCD भी नहीं पता। हिप्पोपोटामस का स्पेलिंग H से शुरू होता है, पूरा स्पेलिंग मुझे नहीं आता। हिप्पोपोटामस को हिप्पोपोटामस भी ऐसा कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तू हारेगा। बस इतना आता है मुझे हिप्पोपोटामस के बारे में। 52 seconds ये पे। चलो कोई नहीं, नाइस गोइंग गाइस। सिर्फ 52 सेकंड्स था, 55 हो गए हैं, 5 सेकंड का मिस हो गए, ठीक है। ओके अब मेरी बारी है वर्ड देने की, लेट्स सी अंजलि ये कर पाती या नहीं। आ गया टाइमर मेरे पास, 0 है उस पे। और अंजलि तेरा जो वर्ड है वो है ट्रेन, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। ट्रेन ट्रेन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो पटरियों पे चलती है और उसमें मालगाड़ी होती है। ट्रेन जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। हम जिस ट्रेन में जाते हैं तो उसको राजधानी कहते हैं, उसमें खाना बहुत अच्छा मिलता था और हम एक्स्ट्रा आइसक्रीम लेके भी खा लिया करते थे केटरर से, वो बहुत अच्छा बनता था। और जो ट्रेन है वो मैंने यंग शेल्डन और शेल्डन में देखी है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद ट्रेन्स। ट्रेन जो होती है वो पिप पिप करती है, ट्रेन ऐसा नहीं करती, वो कार करती है। ट्रेन पिप पिप करती है, उसके पीछे से वो उससे निकलता है ऊपर से। ट्रेन जो है वो आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गई है, जापान वगैरह में है वो बहुत सुंदर ट्रेनें चलती हैं, इंडिया में बहुत घटिया ट्रेनें चलती हैं। इंडियन ट्रेन्स के जो शौचालय हैं वो 3rd class होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रेल मंत्री से कि प्लीज इस ट्रेन के शौचालय को ठीक बनाए ताकि हम आराम से शौचालय जा सके। और क्या बोलते हैं, जितने भी पैसे दे दो ट्रेन घटिया ही रहती है, इंडियन ट्रेन घटिया ही रहती है। राजधानी
ठीक है चलो, तो दो पॉइंट्स मेरे हुए, दो अंजलि के हुए, दो पॉइंट्स तेरे कैसे, हिप्पोपोटेमस के 5 सेकंड से तूने गायब कर दिए थे। ना, तेरा कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं, मेरा हुआ, मेरे को 10 पॉइंट देना, 10 पॉइंट। नहीं, तीन शब्द थे उसमें से दो मुझे आए, तीसरा नहीं है। तेरे तीन थे उसमें से तुझे दो आए, तीसरा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सारा बोला तो था एटलीस्ट। तो आप एक काम करो, कमेंट करके नीचे बताओ हम दोनों में से किसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। और सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही रख दे। ये ले तू कर ले, ये ले कर ले, कर ले पूरा कर ले, ये ले। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको चैलेंज पसंद आया देन प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करें कैसा लगा, कौन कौन से नए चैलेंज है जो आप हमें करते हो देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले, और शेयर कीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल नहीं हाँ थोड़ा इसको भी सह लो, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।